इससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेल्डिंग से टाई किए जा रहे हैं, और ये आपके सामने आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक्सीवेटर मशीन भी लगी। लोग रहना सहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जंगल में मुझसे 2-3 दफ़ा कहा गया है कि कायदाबाद इंटरचेंज से आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस लोकेशन में मौजूद हूँ, कायदाबाद इंटरचेंज ये कहलाता है। लास्ट मुझे कुछ अपडेट मिली थी कि यहाँ पे काम शुरू होने के हवाले से, लास्ट मैंने आप लोगों को कुछ अपडेट भी दी। सामने है गौर विलास के बैंगलोर हैं, इस वक्त यहाँ पे मिट्टी लेवलिंग का काम चल रहा है, और सड़क के सामने आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक्सीवेटर मशीन भी लगी हुई मिट्टी फिल करके भेज रही है। इन डंपरों के ज़रिए यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है, और इस लोडर के ज़रिए यहाँ पर मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। सामने रास्ता कुरंगी और शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ से आ रहा है। ये नीचे मिट्टी लेवलिंग का मकसद ये है, जिस तरह मुझे बताया गया था कि यहाँ नीचे एक टूल प्लाजा बनाया जाएगा, जिस तरह फेज़ वन को यहाँ पर ऑपरेशनल करना है अगस्त 2024 तक, उसके हवाले से यहाँ पे तमाम ये वर्किंग की जा रही है। मैं अभी आगे की तरफ भी जाऊँगा, ये कायदाबाद इंटरचेंज है और कुछ मशीन भी मुझे आगे की नज़र आ रही है, मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके भी अपडेट करता हूँ। फिलहाल यहाँ के करंट व्यूज आज तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है, और 21 मई आज की डेट। सामने गौर विलास की स्कीम आप लोगों को नज़र आ रही होगी, और ये साथ साथ बैक फिलिंग, साथ साथ ये अर्थ फिलिंग का काम भी चल रहा है। जैसा कि डंपर वगैरह मिट्टी लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर मिट्टी उतारने का काम चल रहा है। मैं इस वक्त काफ़ी हाइट पर हूँ क्योंकि ये अर्थ फिलिंग हो चुकी है, तो सामने कायदाबाद, और मैं भी आगे चल के आपको मज़ीद यहाँ की अपडेट करता हूँ। मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, और मैं इंशाल्लाह तमाम वीडियो शूट करके आप तमाम लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि डंपर एक आया है मिट्टी लेके, और ये मिट्टी यहाँ उतारेगा, उसके बाद मज़ीद डंपर भी यहाँ लगे हुए हैं, और मिट्टी यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप उतारी जा रही है। उसके बाद डोजर और लोडर के ज़रिए इसको मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। ये आपके सामने यहाँ के लेटेस्ट व्यूज़। आज इंशाल्लाह मैं तमाम कायदाबाद इंटरचेंज को कवर करूँगा, और आप तमाम मेरे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको इंशाल्लाह इसके मुताबिक अपडेट की जाएगी। जैसा कि डंपर यहाँ पर पहुँचा है मिट्टी लेके, यहाँ पर इसको उतारा जाएगा। इस वक्त मैं कायदाबाद इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ, ये आपके सामने रेल की पटरी भी नज़र आ रही होगी, और साथ साथ इस वक्त यहाँ पर मशीनरी खड़ी हुई है, और पाइलिंग का काम इस वक्त यहाँ चल रहा है। इससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुर्गी खाने का ब्रिज, जिसको कायदाबाद ब्रिज भी कहा जाता है, वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रैफिक वहाँ आ जा रही है, और साथ साथ ये आपको रेलवे की पटरी भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। सामने करंगी लाठी इंडस्ट्रियल एरिया, थोड़ा सा मैं जूम करके आप तमाम लोगों को मज़ीद चीज़ें दिखा दूँ। ये रेल की पटरी चलती जा रही है, जिसके मुताबिक पहले ही मैंने अपडेट की है, और उसके पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा।
मुरादाबाद इंटरचेंज इस वक्त यहाँ पर स्टील गेज को डाला जा रहा है। फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर साइड इंजीनियर भी मौजूद हैं और ये आपके सामने इस वक्त यहाँ पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। रिंग वगैरह यहाँ पर बाकायदा तौर पे वेल्डिंग से टाई किए जा रहे हैं और ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़ है। मशीनरी भी यहाँ खड़ी हुई है, फाइल भी यहाँ पर हो चुकी है और ये केज को इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की डेट पे कवर कर दिया जाएगा। ये आपके सामने यहाँ कायदाबाद इंटरचेंज के व्यूज़ है। इंशाल्लाह आज तमाम इस कायदाबाद इंटरचेंज को कवर करके आप तमाम लोगों से इसकी तमाम अपडेट में शेयर करूँगा। मशीनरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, तकरीबन कोई 4 पायल मशीनें इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्रेनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और टीम भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि काम यहाँ कर रही है। मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो कि फेज़ 1 इंशाल्लाह कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, इसके हवाले से यहाँ काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। एक और केज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। टीम यहाँ मौजूद है, स्टील बैंडिंग का काम भी यहाँ कर रही है। ये सब यहाँ केज को बाकायदा तौर पे नीचे उतारा जा रहा है ये क्रेन की मदद से। मैं आपको यहाँ से लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ। कायदाबाद इंटरचेंज के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक केज यहाँ पर और भी तैयार रखा हुआ है, उसके लिए मतलब कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँगा। फिलहाल ये लाइव यहाँ से व्यूज़ कायदाबाद इंटरचेंज जो कि मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। क्रेन के ज़रिए इसको हैंग किया गया था, वेल्डिंग वगैरह काम चल रहा था और अब जो वेल्डिंग का काम मुकम्मल करने के बाद अब इसको यहाँ पे बाकायदा तौर पे नीचे ज़ेर ज़मीन उतारा जा रहा है और उसके बाद इसकी भराई की जाएगी। भराई के हवाले से क्या टारगेट होगा, कब किया जाएगा, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये स्टील का केज उतारने के हवाले से मैं आपको यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए अपडेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा सराउंडिंग का व्यूज़ भी दिखा दूँ। सामने रेल की पटरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, कराची टू हैदराबाद, और ये इस वक्त केज इसका यहाँ पर बाकायदा तसल्ली के साथ ज़ेर ज़मीन उतार दिया गया है। कायदाबाद इंटरचेंज पे मैं मौजूद हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक केज को अभी उतारा गया और दोबारा फ़िलहाल इसको निकाला जा रहा है। ये जो केज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस केज को और ये जो केज यहाँ पर लगाया गया है, इन दोनों को आपस में टाई किया जाएगा क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा है। दो केज एक ड्रिल पेयर के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भराई की जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे जो मालूमात ली है, मुझे बताया इंजीनियर ने कि ये दो केज पड़े हुए हैं, इन दोनों केज को आपस में टाई किया जाएगा और उसके बाद फिर इसकी भराई की जाएगी। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दी है, मैं दोबारा यहाँ क्लियर कर दूँ। फिलहाल यहाँ एक ड्रिल पेयर ऐसी है जिसकी भराई हो चुकी है, ये स्टील आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसकी भराई यहाँ पर की जा चुकी है। कायदाबाद इंटरचेंज जिस तरह मैंने आपको दिखाया, सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये रास्ता करंगी एबी शाह फैसल कॉलोनी की तरफ को जा रहा है और इस ड्रिल पेयर की भराई हो चुकी है। साथ साथ मैं आपको एक और ड्रिल पेयर दिखाऊं, जिसकी ड्रिल पेयर तो यहाँ पर हो चुका है और बताया जा रहा है कि इसे भराई भराई का काम शुरू करना भी बाकी है। इसके लिए केज वेज की तैयारी की जा रही है और साथ साथ इंशाल्लाह इसको भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ की टोटल अपडेट, ये टोटल यहाँ की प्रोग्रेस, काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर टोटल स्पैन बनाया जाएगा, टोटल ब्रिज बनाया जाएगा और उसके बाद ये काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये मुकम्मल यहाँ पर इंटरचेंज है, यहाँ पे इन आउट की फैसिलिटी रहेगी। जो गाड़ी यहाँ उतरना चाहें, जो गाड़ी यहाँ से चढ़ना चाहें, वो तमाम यहाँ से इजीली तरीके से आ और जा सकेंगी। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं इस वक्त कायदाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। जंगल में मंगल का समा यहाँ किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पे दूर दूर तक लोग रहना सहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जंगल में मंगल का समा किया गया है। मैं सामने आपको ब्रिज भी दिखा दूँ, कोशिश करके मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये सामने आपको कायदाबाद ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। गाड़ियाँ आपको चलती हुई जा रही हैं। ये कायदाबाद ब्रिज है, इस ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे। ये रेल की जो पटरी है इसको भी क्रॉस करेंगे, उसको क्रॉस करते हुए इस ब्रिज को आगे लेके जाएंगे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ब्रिज है और यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ को ले जाया जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर रेल की पटरी भी आपको नज़र आ रही होंगी। जो पानी का टैंकर भी यहाँ पर आ चुका है। सामने वाली साइड शाह फैसल कॉलोनी की तरफ को जाती है। बड़ी तादाद है, मशीनरी और टीम यहाँ मौजूद है और इस वक्त स्टील की केज को उतारा जा रहा है, कुछ वेल्डिंग का काम भी किया जा रहा है। मुझसे 2-3 दफ़ा कहा गया है कि कायदाबाद इंटरचेंज से आगे काठोर की तरफ जाते हुए भी अपडेट की जाए, तो मेरे भाई उस तरफ सिर्फ मिट्टी फिलिंग की गई है अभी तक, वो भी बीच में मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर। मुकम्मल कोई काम या इस तरह की पोजीशन वहाँ पर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मैं उस तरफ भी जाऊँगा और एक ब्लॉग बना के इंशाल्लाह वहाँ की भी अपडेट आप तमाम लोगों से शेयर की जाएगी। ये मेरे जहन में है, इंशाल्लाह जल्द ही मैं इस पर भी काम करूँगा और कायदाबाद से आगे काठोर तक जो भी डेवलपमेंट हुई भी इंशाल्लाह वो भी आप तमाम लोगों से शेयर की जाएगी।